हेलो एवरीवन, टुडे आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ भगत सिंह। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन ऑफ 15 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह से हम लोग पहले 15 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मैं मार्क करूंगा कुछ पॉइंट्स, उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले मैं मार्क करूंगा 5 सेंटीमीटर, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बीच में 5 सेंटीमीटर, तो इससे 10 सेंटीमीटर बीचों बीच में मैं बना रहा हूँ। उसके बाद मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने बीचों बीच लिया है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रॉ करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से ऊपर की ओर फेस ड्रॉ करेंगे, इस तरह से अप्लाई करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे फेस का लोअर पार्ट, जिस तरह से हम लोग इसे सेट करते हुए नीचे की ओर लेते आएंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे भगत सिंह का पगड़ी, कुछ इस तरह से हम लोग उनके पगड़ी को बनाएंगे। पहले हम लोग एक लाइट स्केच कर लेंगे, उसके बाद उसे डार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे ईयर कुछ इस तरह से बोथ साइड। उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे भगत सिंह जी का आईब्रो। आफ्टर ड्राइंग दिस ईयर, कुछ इस तरह से मैं इस लाइन को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा भगत सिंह जी का आईब्रो कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे नोज़। पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल, इसे और भी आसान करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 2B और HP पेंसिल यूज़ करके इस नोज़ को, जहाँ पे आपको लगेगा कि लाइट शेडिंग हो रहा है, यानी मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ HP पेंसिल। और आप चाहे तो इसे स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ, यानी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। कुछ इस तरह से मैं पहले इसे HP पेंसिल से सेट कर रहा हूँ आइज़ के पोर्सन को। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 2B पेंसिल, और आप चाहे तो 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं इसे कुछ इस तरह से डार्क करने के लिए, इस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे एंड डार्क करेंगे नोज़। उसके बाद हम लोग सेट करेंगे नोज़ को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ईयरबड क्लीनर, जो स्पेशली आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। मैं उसे यूज़ करूँगा यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ HP एंड 2B पेंसिल इस फेस को सेट करने के लिए। उसके बाद सेट करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे 4B पेंसिल इस पगड़ी को और फिर डार्क करने के लिए। ड्रॉ करेंगे आइज, कुछ इस तरह से मैं इसे पहले डार्क कर रहा हूँ आइज बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पे, कुछ इस तरह से आप जैसा कि देख रहे हैं। उसके बाद दोनों साइड हम लोग कुछ इस तरह से बना लेंगे इस लाइन के बीचों बीच। उसके बाद ड्रॉ करेंगे आई बॉल्स, तो मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ जूम करके कि मैं कैसे आई बॉल्स ड्रॉ करता हूँ। और ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, पहले एक सर्कल बनाना, उसके बाद उस सर्कल के बीचों बीच कुछ इस तरह से डार्क करना है। उसके बाद डार्क करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे मैं HP पेंसिल सर्कल को बीचों बीच डार्क करने के लिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 6B और 8B पेंसिल, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इस सर्कल को डार्क करना है, छोटा से सर्कल को 8B और 6B पेंसिल से। उसके बाद नीचे वाले सर्कल को HP पेंसिल से कुछ इस तरह से बनाना है। सो आप देख सकते हैं किस तरह से रियलिस्टिक आइज आसानी से आप बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेट करेंगे 6B पेंसिल से इस आईब्रोज को। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ईयरबड क्लीनर सेटिंग और ब्लेंडिंग के लिए। आफ्टर सेटिंग दिस आईब्रोज एंड हेड, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पेशल टूल जो कि बहुत ही चीप है, आप चाहे तो इसे बाज़ार में आसानी से खरीद सकते हैं। सो दिस इज़ माई स्पेशल टूल, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि ब्लेंडिंग स्टेप कितना महंगा है, और हर
इंसान के लिए अफोर्ड करने की नहीं है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ईयरबड क्लीनर, जो आप चाहे तो मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इसे सेट करना है और ब्लेंड करना है। सो कुछ इस तरह से आईब्रोज बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे फेस के नीचे पोर्शन को, कुछ इस तरह से सेट करेंगे। उसके बाद यूज़ करेंगे अपना ब्लेंडिंग स्टम्प, ये बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इसे एक या दो बार ट्राई करें मेरे साथ, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग दोनों साइड इसे सेटिंग करते हुए नीचे की ओर आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे भगत सिंह जी का मूंछ, कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे फोर पेंसिल, इसे थोड़ा सा और डार्क करने के लिए और एक रियलिस्टिक मूंछ बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे भगत सिंह जी का लिप्स आफ्टर ड्राइंग दिस। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स आफ्टर वॉचिंग दिस होल ट्यूटोरियल वीडियो। सो उसके बाद हम लोग फेस बनाने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा लिप्स कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे HB पेंसिल और 2B पेंसिल यूज़ करूँगा, इसे कुछ इस तरह से डार्क करते हुए बनाऊँगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रियलिस्टिक फेस इजीली बना सकते हैं। ये बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इसे एक या दो बार ट्राई करके आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको रियलिस्टिक और भी अच्छा बनाना है तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। इमेज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HB पेंसिल और 2B पेंसिल से शेडिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 6B पेंसिल। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 6B पेंसिल कुछ इस तरह से, इसे और भी डार्क करने के लिए। कुछ इस तरह से लिप्स बनाने के बाद हम लोग सेट करेंगे 6B पेंसिल से। सो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें हमारे इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर अचीव करने में। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।